दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर चलिए माँ दुर्गा के कामन शक्ति पीठ का दर्शन करते हैं। लाज इंगलांज शक्ति पीठ। माँ दुर्गा का यह शक्ति पीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता का ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का ऊपरा भाग गिरा था। यहाँ की देवी को कोयत्री कहा जाता है। दूसरा मुक्तिनाथ शक्तिपीठ। मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ मंदिर में माता का सिर गिरा था। यहाँ पर माता को गंडकी चंडी के नाम से जाना जाता है। यह शक्तिपीठ नेपाल के पोखरा में गंडक नदी के तट पर स्थित है। तीसरा किरीट शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का मुकुट गिरा था, इसलिए इसे किरीट शक्तिपीठ कहते हैं। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। चौथा कात्यायनी शक्तिपीठ। सती के केश पास जिस स्थान पर गिरे थे वहाँ पर कात्यायनी शक्तिपीठ है। यह मथुरा के भूतेश्वर नामक जगह पर स्थित है। माता यहाँ कात्यायनी नाम से विराजमान है। पांचवा करबीर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ पर माता का त्रिनेत्र गिरा था। छठा नैना देवी शक्तिपीठ। माता सती के नेत्र यहाँ पर गिरने के कारण माँ दुर्गा की शक्तिपीठ का नाम नैना देवी शक्तिपीठ रखा गया है। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। सातवा सुगंधा शक्तिपीठ। यहाँ पर माता सती का नासिक गिरा था यानी कि नाक गिरा था, इसलिए इसे सुगंधा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है। इसे उग्रतारा देवी के नाम से भी जाना जाता है। आठवां महामाया शक्तिपीठ। कश्मीर में बाबा अमरनाथ की गुफा में महामाया शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती के गला का हिस्सा गिरा था। दसवां त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। यहाँ पर उनका बायां पक्ष गिरा था यानी कि बायां साइड गिरा था माता सती का। ग्यारहवां रामगिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दायां पक्ष गिरा था यानी कि दायां साइड गिरा था। यहाँ पर माता को शिवानी कहते हैं। बारहवां अंबाजी शक्तिपीठ। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात के अरासूर पर्वत के पास गढ़ियाद्रा में है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। तेरहवां मानस शक्तिपीठ। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। यहाँ पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। यहाँ पर माता को दक्षिणायनी कहा जाता है। चौदहवां बाहुल शक्तिपीठ। बाहुल शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां हाथ गिरा था। पंद्रहवां चंद्रिका देवी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में ही चंद्रिका देवी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता का दाई कलाई गिरी थी। इस सोलहवां त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा के माता बाढ़ी पर्वत शिखर पर माता सती का दायां पैर गिरा था, इससे वह स्थान त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोलहवां त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा के माता बाढ़ी पर्वत शिखर पर माता सती का दायां पैर गिरा था, इससे वह स्थान त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सत्रहवां छत्राल शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चिट्टागांव जिले में छत्राल शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की दाई भुजा गिरी थी। यहाँ पर माता को भवानी नाम से जाना जाता है। अठारहवां त्रिस्तोता शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में त्रिस्तोता शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता का बायां पैर गिरा था। यहाँ माता भ्रामरी देवी कहलाती है। उन्नीसवां कामाख्या शक्तिपीठ। असम के गुवाहाटी जिले में कामाख्या शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माता सती की योनि गिरी थी। बीसवां जुगडान शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीरग्राम में जुगडान शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इक्कीसवां कालीपीठ शक्तिपीठ। कोलकाता के कालीघाट में कालीपीठ शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ माता कालिका के नाम से प्रसिद्ध है। बाईसवां प्रयाग शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर माता सती के हाथ की अंगुली गिरी थी। बीसवां विशालाक्षी शक्तिपीठ। वाराणसी के गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर माता सती की मणिकर्णिका गिरी थी। यहाँ पर माँ दुर्गा विशालाक्षी और मणिकर्णिक रूप में लोकप्रिय है। पच्चीसवां कन्याश्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कन्याश्रम नामक जगह पर स्थित है। यहाँ पर सती की पीठ गिरी थी। यहाँ पर माता को श्रावणी कहते हैं। छब्बीसवां कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है। यहाँ पर माता सती की एड़ी यानी कि गुल्फ गिरी थी। सत्ताईसवां मणिबंध शक्तिपीठ। राजस्थान के पुष्पकरण में माता सती की दो पहुड़ियां गिरी थी। यहाँ पर माता गायत्री के नाम से लोकप्रिय है। अट्ठाईसवां श्रीशैल शक्तिपीठ। श्रीशैल शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहेटा टाउन के पास जैनपुर गांव में स्थित है। यहाँ पर माता सती का गला का हिस्सा गिरा था। उनतीसवां कांची शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में गोपई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माता सती की अस्थि गिरी थी। तीसवां कमलाधव शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमलाधव नामक जगह पर माता सती का बायां नितंब गिरा था। यहाँ देवी काली के रूप में प्रसिद्ध है।
एक तीस माँ सोमदेश शक्ति पीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोमदेश के पास माता सती का दायां नितंब गिरा था। यहाँ पर माता दुर्गा देवी नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध है। 32 माँ रुचि शक्ति पीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास माता की ऊपरी दाल गिरी थी। यहाँ पर माता नारायणी के नाम से विख्यात है। 33 माँ पंचसागर शक्ति पीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास पंचसागर में माता का निचला दाल गिरा था। 30 माँ अर्पण शक्ति पीठ बांग्लादेश के करतोयत के पास माता सती की बाई पायल गिरी थी। यहाँ पर माता को अर्पल के नाम से जाना जाता है। 35 माँ श्री सुंदरी शक्ति पीठ आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में माता की दाई पायल गिरी थी। यहाँ पर माता को श्री सुंदरी के नाम से जाना जाता है। 36 माँ देवी कपालिनी शक्ति पीठ देवी कपालिनी शक्ति पीठ पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला में स्थित है। यहाँ पर माता की बाई एड़ी गिरी थी। 30 माँ चंद्रभागा शक्ति पीठ गुजरात के जूनागढ़ जिले में चंद्रभागा शक्ति पीठ है। यहाँ पर माता का अमावस्या गिरा था। 30 माँ अवंती शक्ति पीठ मध्य प्रदेश के छिप्रा नदी के किनारे भैरव पर्वत पर माता की ऊपरी ओट गिरी थी। तभी से इस शक्ति पीठ को अवंती शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। 39 माँ जनस्थान शक्ति पीठ महाराष्ट्र के नासिक में जनस्थान शक्ति पीठ है। यहाँ पर माता की डोरी गिरी थी। यहाँ देवी ब्राह्मणी कहलाती है। 40 माँ विश्वेश्वरी शक्ति पीठ आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में विश्वेश्वरी शक्ति पीठ है। यहाँ पर सती का गला गिरा था।